लेक्चर 17 पार्ट 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। एबीसी इज अ प्लेन लैमिना ऑफ शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ऑलराइट। ठीक, डी ई एन डी ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी एंड जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ लैमिना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी इज आई नॉट। ठीक है, ये तुम्हें आई नॉट दिया है। पार्ट ए डी ई इज रिमूव्ड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट एक्सिस इज इतना। तो देखो इसको करने के लिए क्या करो आप, कि देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो अगर साइड एल है टोटल, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये एल बाय टू होगा। ठीक है, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल एल बाय टू का। सिमिलरली अगर आप यहां से डिवाइड कर दो इसको, तो ये सारे एल बाय टू साइड के होंगे। ऑलराइट, तो अब अगर जी के अबाउट सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें, लेट सपोज इसका अपना सेंट्रॉइड यहां है, इसका अपना सेंट्रॉइड यहां है, इसका अपना सेंट्रॉइड यहां है, और इस वाले ट्रायंगल का डी ई, लेट्स कॉल दिस एज एफ, डी ई एफ का सेंट्रॉइड तो जी वापस से ही होगा। तो अगर जी के अबाउट सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें तो इसका इसका और इसका इक्वल होगा, क्योंकि अपने सेंट्रॉइड प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो आई ए डी ई अबाउट जी इज इक्वल टू आई डी बी एफ अबाउट जी इज इक्वल टू आई ई एफ सी अबाउट जी। बट ये जो होगा ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसका सेंट्रॉइड से खुद ही पास कर रहा है जी। इनका अपने सेंट्रॉइड के अबाउट पहले निकालना होगा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एम डी स्क्वायर करके जी के अबाउट निकालना होगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं आई वन, और आई डी ई एफ अबाउट जी इज इक्वल टू हम लोग आई टू बोल देते हैं। ठीक, तो अगर इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई नॉट दिया है, तो आई नॉट को लिख सकते हैं आई टू प्लस थ्री आई वन। ठीक, अब आई नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, और आई टू हम लोग निकाल सकते हैं। आई टू कैसे निकालेंगे, देखो आई टू सबसे पहले हमें देखना होगा, I नॉट की वैल्यू दी है इज इक्वल टू, लेट सपोज रेडियस ऑफ कुछ इसका कांस्टेंट K मान लेते हैं, M मान लेते हैं मास, और L स्क्वायर, L इसका साइड लेंथ है ट्रायंगल का, इसके प्रोपोर्शनल होगा, एम एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अगर अब ये ट्रायंगल डी ई एफ है, अगर ए बी सी की साइड एल थी तो डी ई एफ की साइड एल बाई टू है, तो इसी तरह से आई टू जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू के एम बाई फोर एल बाई टू का स्क्वायर। देखो प्रोपोर्शनलिटी सेम है, ये इसका मास डी ई एफ का जो मास है वो टोटल मास का एम बाई फोर हो जाएगा। एक दो तीन चार ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं तो एम बाई फोर हो जाएगा, और इसकी साइड एल बाई टू है तो एल बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज के एम एल स्क्वायर बाई, ये कितना हो जाएगा 16, तो दिस इज आई नॉट बाई 16। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, दिस इज आई नॉट इक्वल टू आई नॉट बाई 16 प्लस 3i1। तो 3i1 की वैल्यू हो जाएगी 15 आई नॉट बाई 16, तो i1 की वैल्यू हो गई 5 आई नॉट बाई 16। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि AD वाले पार्ट को निकाल दें तो बाकी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब देखो I नॉट को मैं लिख सकता हूं, इफ पार्ट AD इज रिमूव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट द सेम एक्सिस इज एन I नॉट बाई 16। ठीक है, तो I नॉट की वैल्यू हो जाएगी I ए डी ई अबाउट G प्लस I डी बी सी ई अबाउट G। तो फिर से I नॉट की वैल्यू हो गई
हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट इज दिस n, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू एन आई नॉट और 16 इसमें डाल दो, अब ये दिस इज 5i0/16 प्लस ni0/16, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये इम्प्लाई करेगा कि n की वैल्यू देखो इधर जाएगा ये, तो 11i0/16 हो जाएगा, n की वैल्यू 11 आ जाएगी, ठीक है, तो आंसर इसका 11 हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से करो, और इसमें खेल बस यहाँ पर है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर ए बी सी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एम एल स्क्वायर है, मास और लेंथ के प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के, तो इसका जो होगा वो उसके मास और इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बस बाकी चीज़ें तो दी हैं क्वेश्चन में, ठीक। कंसीडर टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस, ठीक है, एंड डिफरेंट रेडियाई, आर वन इक्वल टू आर, आर टू इज इक्वल टू अल्फा आर, टी इज इक्वल टू टी, दोनों का सेम है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस एंड डिफरेंट रेडियाई मेड ऑफ सेम मटीरियल, तो रो इज इक्वल टू रो, रो इज इक्वल टू रो, इनका भी सेम है। इफ़ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन आई वन आई टू रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस इज इतना वैल्यू, तो बहुत ही क्वेश्चन ईजी है यार, आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर बाई टू, तो आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन टू अपॉन एम टू आर टू स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर अपॉन एम टू आर टू स्क्वायर। एम वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो पाई आर वन का स्क्वायर टाइम्स टी, ठीक है, इंटू आर वन का स्क्वायर अपॉन एम टू कितना हो जाएगा, रो पाई आर टू का स्क्वायर टी इंटू आर टू का स्क्वायर, तो आर टू की वैल्यू डाल दो, आर टू इज इक्वल टू अल्फा आर है, आर वन इज इक्वल टू आर है, तो यू कैन सॉल्व दिस आई वन अपॉन आई टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, रो पाई सब ये सब कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर फोर अपॉन अल्फा की पावर फोर आर की पावर फोर, तो दिस इज इक्वल टू 1/16, सो अल्फा इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मास एम और लेंथ एल है, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मतलब यहां से इसके सेंटर से पास हो रहा है, इसके अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज इतना, ठीक है, तो ये आपको पता है ये वाली एक्सिस होगी, फेस के पैरेलल जाएगी, इसके अबाउट आई दिया हुआ है आपको। इफ सच अ सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर अ गिवन मास ऑफ मटीरियल, गिवन मास एम गिवन है, द रेशियो एल बाई आर फॉर इट टू हैव मिनिमम पॉसिबल आई, तो सबसे पहले आपको आई मिनिमाइज करना है, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल आई और मास गिवन है, तो मास होता क्या है, मास विल बी लेट्स से इसका रेडियस आर है, रो पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, अब क्या करो, dm बाई dr ले लो, तो इम्प्लाइज होगा dm बाई dr इज इक्वल टू रो पाई l 2r प्लस रो पाई r स्क्वायर dl बाई dr। अब ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि d मास कांस्टेंट है, सिंस m इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन, ठीक है, तो रो पाई कैंसिल हो गया, 2 lr प्लस r स्क्वायर dl बाई dr इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से dl बाई dr आ जाएगा माइनस 2 l बाई r, ठीक है,
ऑलराइट, तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई कि मास गिवन होने से डीएल बाई डी आर क्या होगा, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में एल कैसे चेंज होगा, दिस इज ये फॉर्मूला आ जाता है। अब हम आई को मिनिमाइज कर देंगे, फॉर आई टू बी मिनिमम डी आई बाई डी आर शुड बी इक्वल टू जीरो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो फॉर्मूला को, सो डी आई बाई डी आर इज इक्वल टू एम टू आर बाई फोर प्लस एम ट्वेल बाई ट्वेल्व इंटू डी एल बाई डी आर, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो जाएगा एम से पूरा अब गायब हो जाएगा इस तरफ से, तो आर बाई टू प्लस, देखो ये एल बाई सिक्स हो जाएगा और डी एल बाई डी आर यहां से पुट कर दो, माइनस टू एल बाई आर, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो एल बाई सिक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आर बाई टू इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई थ्री आर, एल बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बाई टू, एल बाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मासलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल ई एफ जी ऑफ साइड ए, ये मासलेस ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल का कोई मास नहीं है और थ्री पार्टिकल्स हैं यहां पर एम मास के, एक ये मास, एक ये मास और ये मास। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट लाइन ई एक्स परपेंडिकुलर टू ई जी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है इस इतना, तो एन की वैल्यू बतानी है। ये तो बड़ा लल्लू क्वेश्चन है, अगर ये ए है तो इस मास की डिस्टेंस जीरो होगा, इस मास की डिस्टेंस ए हो गई, तो बस इस मास की डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको दिख ही रहा होगा कितना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाली डिस्टेंस ए बाई टू होगी, सो दिस डिस्टेंस इज ए बाई टू, तो समेशन एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन बाई ट्वेंटी एम ए स्क्वायर, तो एम इंटू जीरो स्क्वायर प्लस एम इंटू ए बाई टू का स्क्वायर प्लस एम इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन बाई ट्वेंटी एम ए स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क आर रोटेटिंग इंडिपेंडेंटली इन सेम डायरेक्शन एंड अराउंड देयर कॉमन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट डिस्क आर इतना, वाइल दोज फॉर सेकेंड वन आर 0.2 एंड 5 रेडियन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट डिस्क का आई वन दिया है आपको 0.1, ओमेगा दिया है 10, सिमिलरली आई टू आपको दिया है 0.2 और ओमेगा टू दिया है 5। तो मतलब ये पहले ये वाला अपने स्पीड से घूम रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट डिस्क दिया है, एंड दूसरा एट सम इंस्टेंट दे गेट स्टक टुगेदर एंड स्टार्ट रोटिंग एज अ होल सिस्टम कॉन्टिग्यू, तो वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, एंगुलर इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछले लेक्चर में भी किए थे, तो बाद में फ्रिक्शन की वजह से इनमें कुछ एनर्जी लॉस होगा, बाद में सेम ओमेगा से घूमने लगेंगे, पहले एक दूसरे पे सटेंगे जब, तो आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू ओमेगा फाइनल। ठीक है, ये सिंपल सा है, तो इससे ओमेगा फाइनल आ जाएगा। फिर क्या करना है, पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम फाइनली कितनी होगी, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी हाफ आई वन प्लस आई टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, थ्री सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास एम, सबका मास एम है एंड डायमीटर डी आर स्टक टुगेदर सच दैट लाइन्स कनेक्टिंग द सेंटर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ डी। ठीक है,
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका साइड डी होगा, ऑब्वियसली ये डी बाई टू, ये डी बाई टू, तो ये भी डी हो ही होगा, ठीक है। द रेशियो आई नॉट बाई ए ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई नॉट इस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आई ए आपका ए से जो एक्सिस पास कर रही है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। इसका रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखो आई बी आई ए आई सी तो आप बता सकते हो सबका, ये भी बेसिकली पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो दिस इज डी, ठीक है। सो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस पहले निकाल लो, ये वाली सेंट्रॉइड से ये वाली डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक, या और यहां पर एक आप क्या कर सकते हो, सीधे एंगल ले लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90, दिस इज योर 30 डिग्री, तो अगर इसको मैं ओ बोल रहा हूं, ओ सी बराबर हो जाएगा, लेट्स कॉल दिस परपेंडिकुलर एज ओ पी, ठीक है। तो ये डी बाई टू है, डी बाई टू इंटू वन अपॉन कॉस 30, ठीक, ओ सी आ गया, ये कितना हो जाएगा, d by 2 into cos 30 is root 3 by 2, 2 by root 3, so d by root 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही क्लियर है कि आप तीनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट निकाल सकते हो, और तीनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया A के अबाउट भी निकाल सकते हो। तो आई ओ जब निकालोगे तो आई बी प्लस एम डी बाई रूट 3 का स्क्वायर का 3 टाइम्स कर दो, क्योंकि भाई आई बी आई ए आई सी तीनों बराबर ही तो हैं, सिमेट्रिकल इनके एक्सिस के अबाउट, तो ये तो सिंपल है गया। जब ए के अबाउट निकालना होगा, आई ए कैसे निकलेगा, तो अब तीनों का अलग अलग देखो, इसका और इसका तो इक्वल होगा, तो वो कितना होगा, आई बी प्लस, अच्छा ये आई बी ना लिखो इसको, इसको हम लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं, नहीं तो उससे कंफ्यूजन होगा, 2/5 एम डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन ये हो जाएगा अपना 2/5 एम डी बाई टू का स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, प्लस 2/5 एम डी बाई टू का स्क्वायर, तो ये आई नॉट हो गया, ये आई ए हो गया, इनका रेशियो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन एंड ऑफ अ स्ट्रेट यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग बार इज पिवटेड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ये 1 मीटर दिया है। व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट हिट्स द टेबल इज गिवन एज रूट एन पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो देखो ये अगर 1 मीटर की है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर है, एच कितना हो जाएगा, 1/2 साइन 30, 1/4 मीटर, ठीक है। तो अब जितना ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी सिंपली, तो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, एम कितना है, एम को एम ही रहन दो, अब जी को 10 ले लेते हैं, एच को 1/4 ले लेते हैं, 1/2 I कितना होगा, एम एल स्क्वायर 3 एक एंड से लेना है, ठीक है, एम एल स्क्वायर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एल की वैल्यू 1 दी हुई है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, सो 10/4 इज इक्वल टू 1/6 इंटू एल की वैल्यू 1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करिए इसको, दिस इज 6/4 इंटू 10,
तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपका 15, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट 15, ठीक है। तो एन की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। अ यूनिफॉर्मली थिक व्हील विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। अ मासलेस स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर इट्स रिम एंड टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है। m1 ज्यादा है, आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन m1 डिसेंड्स बाय अ डिस्टेंस h, ठीक है। अगेन सेम वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे कि अगर जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी किसकी आएगी, मास की, m2 मास की और इस व्हील की भी, ये घूम भी रही है, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब द एंगुलर स्पीड व्हेन m1 डिसेंड्स बाय डिस्टेंस, अगर ये h नीचे जाएगा तो ये h ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंस्टेंट है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ये कितनी कम होगी m1gh और ये कितनी बढ़ेगी m2gh। तो नेट लॉस कितना होगा, m1gh माइनस m2gh। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले m1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी, ठीक है। प्लस ये भी एक व्हील भी है, हाफ पुली है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि नो स्लिपिंग का केस है। तो नो स्लिपिंग के केस में ओमेगा की वैल्यू आप वी बाई आर मानेंगे, ठीक है, और यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये सेम क्वेश्चन है कि एच डिस्टेंस, ये मास नीचे जाएगा, है ना, व्हेन इट हैज कवर्ड डिस्टेंस एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। तो इसमें भी वही फंडा होगा कि mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू v बाई r, ठीक है। सेम क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एल बाई फोर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। मतलब ये सेंटर है, यहाँ से एल बाई फोर पे एक एक्सिस जा रही है, तो इसके अबाउट बताना है हमें। ये हमें पता आई सी एम, ये आई, तो आई क्या होगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल बाई 4 का स्क्वायर आई इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल। और रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो आप इसको एम के स्क्वायर बोल दो, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। मास पर यूनिट एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए डिपेंड्स ऑन द रेडियस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज सिग्मा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आर, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज, सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल है ये, ठीक है। तो आप क्या करो, r की डिस्टेंस पे चले जाओ, एक रिंग काट लो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हो। पहले dm क्या होगा, dm होगा 2 पाई r, लेट्स कॉल दिस एज r एंड दिस इज dr, 2 पाई r dr इंटू सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया हो गया, ये टोटल एरिया इसका हो गया, इस टोटल मास हो गया, ठीक है। तो डी आई लिख लो, डी एम आर स्क्वायर, ठीक।
अब I कितना होगा, इंटीग्रल DI, तो इंटीग्रल 2 पाई R सिग्मा R स्क्वायर DR, ठीक है, 0 टू R। रेडियस A है तो A तक इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है, सिग्मा इज ए प्लस बी आर, तो इसमें डाल दो, इंटीग्रेट कर दो, आई आ जाएगा। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज अ होल ए एट इट्स सेंटर, इफ द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क वेरीज एज सिग्मा नॉट बाई आर, देन द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। अगेन ये सेम क्वेश्चन, दो तरह से कर सकते हो, या तो रिंग काट के इंटीग्रेट कर लो, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर की रिंग काट लो, या दूसरा तरीका है कि पूरे में से छोटे वाले का माइनस कर दो, ठीक है। तो आई को मैं लिख सकता हूं आई वन माइनस आई टू, आई वन कितना होगा बड़े वाले स्फीयर का, अब आपको मास अलग लेना पड़ेगा, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है ये, तो सिग्मा पाई बी स्क्वायर ये इसका मास हो गया, ठीक है। ओके, इसमें ये वेरी कर रहा है तो आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, इसमें ये वेरिएबल रिलेशन दिया हुआ है, तो वेरी सॉरी। तो अगेन फिर से पहले डीएम लिखोगे, टू पाई आर डी आर इंटू सिग्मा नॉट बाई आर, ठीक है, और फिर डी आई लिखोगे डी एम आर स्क्वायर, ठीक है, और डी आई लिखने के बाद आई निकालोगे इंटीग्रल डी आई ए से लेके बी तक, ठीक है। सो आई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ए से लेके बी तक, पूरा इंटीग्रेट कर दो, दिस इज टू पाई सिग्मा नॉट डी आर आर स्क्वायर, ठीक। और आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है, सिग्मा नॉट की वैल्यू भी दी है, सिग्मा की वैल्यू दी है, सिग्मा नॉट बाय आर, सिग्मा नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो आप। ऑलराइट, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछेगा तो आई को आपको एम के स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी इंटीग्रेट करके, तो दैट इज टू पाई आर डी आर सिग्मा नॉट बाई आर ए से बी, ये पहला एम होगा और ये आई होगा, आई आ जाएगा सिग्मा नॉट के फॉर्म में, सिमिलरली यहां एम आ जाएगा सिग्मा नॉट के फॉर्म में, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिखोगे तो के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। एम को यहां से लिख देना इस फॉर्म में, आई को यहां से लिख देना, एम को यहां डाल देना, तो फिर जो के बचेगा दैट विल बी योर रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। टू कोएक्सियल डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन एंड आई वन बाई टू आर रोटेटिंग विथ रिस्पेक्टिव एंगुलर वेलोसिटीज इतना, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर आफ्टर दे रोटेट विथ कॉमन एंगुलर वेलोसिटीज। अगेन ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है तो ये फिर से मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही है। A thin disk of mass m and radius r has mass per unit area sigma r is equal to k r square, where r is the distance from its center. ठीक है? Its moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to its plane. ये एक thin disk है, जिसका m mass, radius r, mass per unit area sigma r दिया है, k r square. ठीक है,
its moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to plane. ठीक है, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिखो इसको, इस बार आर रेडियस पे जाके रिंग काट दो डीआर थिकनेस की, आर डीआर 2 पाई आर डीआर इसकी थिकनेस हो गई, एरिया हो गया इनटू सिग्मा आर, ठीक है, इनटू सिग्मा लिखता हूं मैं, सिग्मा आर तो उसको फंक्शन ऑफ आर लिखने के लिए है, ये इसका मास हो गया इनटू आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया आई, तो प्लीज कैलकुलेट इट, और एम के फॉर्म में लिखना है आपको, एम के फॉर्म में लिखना है तो आपको सिग्मा एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे सिग्मा एलिमिनेट, एम इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 पाई आर डी आर सिग्मा, ठीक है, दिस इज 0 टू आर, दिस इज 0 टू आर, तो सिग्मा आप यहां से एम के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। A solid sphere of mass m and radius r is divided into two unequal parts. The first part has a mass of 7 m by 8 and is confronted in a uniform disk of radius 2r. एक solid sphere है, ठीक, unequal parts में divided. The first part has a mass of 7 m by 8. ये एक डिस्क है, ये स्फीयर है, द फर्स्ट पार्ट हैज मास 7 m बाय 8 इज कन्वर्टेड यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r, अच्छा ये 2r का रेडियस है तो इसको छोटा बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, अब देखो ये डिस्क हो गया, इसका मास 7 m बाय 8 हो गया और ये रेडियस 2r का हो गया, द सेकेंड पार्ट इज कन्वर्टेड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, प्लस एक छोटा स्फीयर बन जाएगा इससे, ऑब्वियसली इसका मास m बाय 8 होगा और रेडियस कुछ r होगा, ठीक है, लेट i1 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द न्यू स्फीयर अबाउट इट्स एक्सेस, द रेशियो i1 एंड i2 इज गिवन बाई, एक मिनट, ये i1 i2 क्या है क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है, व्हाट इज i2, लेट i1 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यू स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस, ये तो हम पता ही कर सकते हैं, इसका मास दिया, इसका रेडियस ही तो निकालना है खाली, ठीक है, ऑब्वियसली मटेरियल की डेंसिटी सेम होगी, ठीक है, तो अगर इसको हम लिखते हैं m की वैल्यू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो m बाई 8 वाले को भी तो लिख सकते हैं ऐसे, m बाई 8 इज इक्वल टू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू रो, डिवाइड कर दो इसको इससे, है ना, सो इसका मतलब हो जाएगा r क्यूब बाई r क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 8, r इज इक्वल टू हो जाएगा r बाई 2, ये तो आ गया, तो अगर इसको हम i1 बोलें इसके एक्सिस के अबाउट, तो i1 की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई 5 m बाई 8 r स्क्वायर, अब ये i2 क्या है पता नहीं क्वेश्चन में, तो मेरे ख्याल से i1 इसे बोला होगा, i2 इसे बोला होगा, मैं ये गेस कर रहा हूँ, लेट्स कॉल दिस एज i2, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2 बाई 5 m बाई 8 r बाई 2 का स्क्वायर, सो 2 बाई 5 या 2 बाई 5 को मैं ऐसे ही रहन देता हूँ, ये वाला टर्न बाहर निकाल लेता हूँ, दैट इज 4 इंटू 1 बाई 32 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, है ना,
और आई वन अगर इसको बोल रहा है डिस्क के उसको, देन यू हैव टू कैलकुलेट डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू. लेट्स कॉल दिस एज आई वन, दिस कॉल दिस एज आई टू. मैं गेस कर रहा हूँ जस्ट कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. तो ये हो जाएगा 7m बाई 8 2r स्क्वायर बाई 2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये 4 इंटू 4 होगा, ये 2 से एक बार में 2 चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 7 बाई 4 एम आर स्क्वायर. ठीक है, अब आई डोंट नो आई वन आई टू क्या है, तो आप ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं इसलिए यहीं पर छोड़ रहे हैं, पर आपको सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है. ठीक है, अ स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट काइनेटिक एनर्जी एज फंक्शन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बाई विच इट हैज रोटेटेड एज. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसी भी मोमेंट पे, वो दिया है कि के थीटा स्क्वायर है. ठीक है, इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई देन एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा. ठीक है, सो देखो ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा बाई डी टी और अल्फा की वैल्यू होती है डी ओमेगा बाई डी टी. अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2k बाई आई अंडर रूट में टाइम्स थीटा. ठीक, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है डी थीटा बाई डी टी, अगेन डी थीटा बाई डी टी इज अगेन ओमेगा. अब अल्फा की वैल्यू हो गई रूट टू के बाई आई इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू ये है, तो फिर से यही रख दो. ठीक है, तो 2k बाई आई टाइम्स थीटा हो जाएगा अल्फा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स गिवन एक्सिस इज 1.5 kg. इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1200 जूल द एंगुलर एक्सेलरेशन इतना मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, इतना एंगुलर एक्सिलरेशन जो आपको दिया है दैट इज 20, कितने देर तक अप्लाई करना है ताकि आपकी इतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाए, मतलब कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1200 आ जाए. ठीक है, आई दिया हुआ है आपको 1.5, सो हाफ इंटू 1.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1200, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2400 ठीक है, दिस इज 5, दिस इज 8000 और ये हो जाएगा 1600, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 40. अब ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा टी, तो 40 इज इक्वल टू अल्फा इज व्हाट 20t, टी की वैल्यू 2 सेकंड हो गई. ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं. थिन स्मूथ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज रोटेटिंग फ्रीली ओमेगा नॉट से, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड पासिंग थ्रू इट सेंटर. ठीक है, टू बीट्स ऑफ मास स्मॉल एम एंड नेग्लिजिबल साइज आर एट सेंटर ऑफ द रॉड इनिशियली, द बीट्स आर फ्री टू स्लाइड अलॉन्ग द रॉड, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम व्हेन द बीट्स रीच द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द रॉड. ये अगेन वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन. एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, एल इनिशियल क्या होगा, एक्सिस क्या दिया हुआ, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, रॉड के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रही है, मतलब कि एम एल स्क्वायर बाई 12, आई
ओमेगा, तो हम पहले इसको I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल. I इनिशियल क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, और दोनों बीट्स जो हैं आर एट सेंटर ऑफ द रॉड इनिशियली, तो उनका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, और ये इनिशियल ओमेगा नॉट दिया. I फाइनल क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस, अब ये दोनों बीट्स वेन द बीट्स रीच द ऑपोजिट एंड ऑफ द रॉड, मतलब एल बाई 2 के डिस्टेंस पे आ गए, तो एम एल बाई 2 का स्क्वायर प्लस एम एल बाई 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल. ठीक है, तो यहां से आप ओमेगा कोई वैल्यू निकालोगे, ठीक, ठीक है, तो ये 7/12 हो गया, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू हो गई ओमेगा नॉट, आई बेग योर पार्डन, ये है एम स्मॉल एम एंड दिस इज कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल एम, ठीक है, दिस इज कैपिटल एम, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में. 12 तो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस 6m, ठीक है, टाइम्स ओमेगा नॉट. के आज का लास्ट क्वेश्चन, अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज इट्स डेंसिटी वेरिंग, अगेन डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ r दे दिया, सर्कुलर प्लेट है, रो नॉट कॉन्स्टेंट, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेट एंड पासिंग थ्रू एज. अच्छा, अब ये नया है, इसमें थोड़ा सा आपसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगवाएगा. ये प्लेट के परपेंडिकुलर है बट सेंटर से पास नहीं कर रही है, यहां से पास कर रही है, ठीक है, ये है आई सी एम, ये है आई, तो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, और आई सी एम निकालना आप जानते हो इंटीग्रेट करके, आई सी एम कितना होगा, इंटीग्रल 2 पाई आर डी आर टाइम्स सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये होगा. और क्या एक मास का भी रिलेशन आता है इसमें, 2 पाई आर डी आर टाइम्स आर, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, आई की वैल्यू फाइनली एम आर स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, तो ए निकाल सकते हो आप, ठीक है. तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अब आगे हम लोग अपना ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. ये सब इजी क्वेश्चन है, देखो इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लो, इससे आप स्पीड बनाओ अपनी सॉल्व करके, ठीक है.